तो आज के वीडियो में बात करूंगा MIUI 12.5 के अपडेट के बारे में। ये अपडेट बहुत जल्द इंडिया में आने वाला है, तो इस वीडियो में बात करूंगा कि आपको कौन कौन फ़ोन में ये अपडेट देखने को मिलेगा और कौन कौन फ़ोन में ये अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। ये अपडेट फाइनली कब इंडिया में आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा यानी कि। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर जाके फॉलो करें। तो चलिए बात कर लेते हैं MIUI 12.5 अपडेट के बारे में। तो फाइनली मैं अपने फ़ोन में जो है लिस्ट कर लिया हूँ जो जो फ़ोन में अपडेट किया आने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा अपडेट के बारे में, जो कि है Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro India जो भी है, Redmi Note 9 Pro Global, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Ultra, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Premier Edition, Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30 5G, Redmi K30 i5G, और बात को तो Redmi 8A Dual Pro हो जाता है, Redmi 8, Redmi 9A, Redmi 9 AT, Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9C NFC कोई फ़ोन है, Redmi 9, Redmi 9 India, Redmi 9 Prime, Redmi 10X 4G, Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro। तो ये सब फ़ोन में आपको अपडेट देखने को मिल जाता है। और कोई फ़ोन का अपडेट मैं मिस कर दिया हूँ बोलना तो आप सब कमेंट करें और मैं आप सबको बता दूंगा कि इस फ़ोन में अपडेट देखने को मिलेगा नहीं। और एक और जवाब, अगर आप सबको MIUI 12 का अपडेट नहीं देखने को मिला या देखने को मिला है तो यस या नो में कमेंट कर सकते हो, तो मैं आप सबको एक बात बताऊँगा, पहले कमेंट करिए तब बताऊँगा। तो आपको बता दूँ कि आपको किस किस फ़ोन में ये अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात है Redmi Note 5G में आपको अपडेट नहीं देखने को मिलेगा, जो भी अपडेट आएगा ये फ़ोन में नहीं देखने को मिलेगा। और Redmi Note 9 6, मतलब Note 9 6 की आप पूरा सीरीज में ही आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिलेगा या कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। अब जितना भी Redmi Note 7 या Redmi 7 से जितना भी फ़ोन है उससे इधर ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा। जितना भी फ़ोन का नाम बताया हूँ उसका अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। और उम्मीद रहे कि आपका फ़ोन 2 साल के अंदर में होना चाहिए, अगर 2 साल के बाहर है तो शायद ही आपको अपडेट देखने को मिलेगा। 2 साल का अंदर में तो आपको जल्द से जल्द अपडेट देखने को मिल जाएगा। और ये अपडेट कब आएगा, जनवरी में तो फिलहाल नहीं आने की संभावना है, फरवरी या मार्च में आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा फाइनली सब फ़ोन में। और सब फ़ोन में ऑल फ़ोन का मैं बात करूँ कि अपडेट देखने को मिलता है, अप्रैल तक में आपको सारा फ़ोन में अपडेट देखने को मिल जाएगा, लेकिन फरवरी और जो भी मार्च होता है इसमें अपडेट आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा सब फ़ोन में। तो ये सब कुछ न्यूज़ था MIUI 12.5 के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ कल आपसे एक नए वीडियो के साथ।